अगर आप दूसरी गाय को गर्म होने के लक्षण दिखाने वाली गाय की योनि को सूंघते या चाटते देखें, और विशेषकर चाटने के बाद अगर वो इस तरह की प्रतिक्रिया दे रही हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी गाय हीट में आ चुकी है। गौर करने पर आप पाएंगे कि कई बार गर्म होने वाली गाय के दूध में कमी आ जाती है तथा वो खाना भी कम कर देती है। जब गाय बार बार बोल रही हो, रंभा रही हो या दूसरे गाय पर चढ़ने की कोशिश कर रही हो और उसके भग से साफ पानी जैसा द्रव्य गिरता हुआ दिखाई दे, तो समझ लें कि वो गर्म होने की स्थिति दिखा रही है। अगर गाय गर्म होगी तो पूरा रीजन यहाँ से यहाँ तक पूरा लाल होगा, और ये जो देख रहे हैं ये वल्वा रीजन है, वल्वा स्वेलन होता है, तो इस गाय को हम फूल जाती है। हाँ, और इस गाय को हम अभी हीट में भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये गाय पर्टिकुलरली इसको हम एनेस्थेसिया भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी लालिमा है, पूरा नहीं है हीट जैसा, लेकिन फिर भी काफ़ी है, और ये काफ़ी हद तक मॉइस्ट भी नहीं है, थोड़ा सा मॉइस्ट है, हीट में रहेगा तो पूरा गीलापन इसमें दिखेगा। वो उस जोनी के पखना का दार से हाथ डाल के हम लोग सर्विक्स और यूट्रस को ठीक उसके नीचे ही रहता है उसको छूते हैं और छू के पता करते हैं कि ये सही गर्म में है या नहीं है। तो फिर ये हो जाने के बाद हम लोग इंसेमिनेशन का टाइमिंग सेट करते हैं कि किस समय इसको सीमेन पड़ना चाहिए। जनरली कोई भी गाय अगर सुबह 8 बजे से गर्म है तो उसको शाम में 8 बजे AM PM रूल चलता है, 12 घंटा का अंतराल, यानी कि अगर 8 बजे वो गर्म है तो सुबह 8 बजे गर्म है तो शाम में 8 बजे सीमेन पड़ेगा, अगर शाम 6 बजे गर्म है तो सुबह 6 बजे सीमेन पड़ेगा। इस तरह का एक नियम हम लोग गाय भैंस की इंसेमिनेशन के लिए करते हैं, और फिर हम ये कहेंगे अगर अच्छा कंसेप्शन रेट चाहिए तो डबल इंसेमिनेट कीजिए, यानी कि 12 घंटे के अंतराल में एक फिर और एक सीमेन डाल दीजिए।